से जुड़ी हुई और राहुल गांधी को मिल गई है बड़ी राहत। दरअसल आरएसएस मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भिवंडी कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। अतिरिक्त दस्तावेजों को अनुमति देने का आदेश रद्द कर दिया गया है भिवंडी कोर्ट का। बॉम्बे हाईकोर्ट में राहुल गांधी की याचिका पर आदेश पारित किया गया है। आरएसएस मानहानि केस से जुड़ा ये पूरा मामला जिसमें राहुल गांधी को मिल गई है राहत। भिवंडी कोर्ट की ओर से जो फैसला सुनाया गया था उस पर बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से आपको बता दें कि बड़ी राहत देते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने भिवंडी कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में सबूत के तौर पर कुछ अतिरिक्त दस्तावेजों को अनुमति दी थी। न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण ने राहुल की याचिका पर यह आदेश पारित किया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि ट्रायल कोर्ट ने आरएसएस पदाधिकारी राजेश कुंटे को तय समय के बाद भी कुछ दस्तावेज पेश करने की अनुमति दी थी। थाने की भिवंडी मजिस्ट्रेट अदालत ने 3 जून को कुंटे से प्रस्तुत कुछ दस्तावेजों को रिकॉर्ड में ले लिया था। राजेश कुंटे गांधी के खिलाफ मामले में शिकायतकर्ता हैं। इस दौरान मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कथित मानहानि के भाषण की प्रतिलेख को सबूत के तौर पर स्वीकार कर लिया था। ज्यादा जानकारी इस पर मैं ले लेती हूँ। मेरे साथ विकास श्रीवास्तव जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। विकास, कौन सा ये मामला जिसमें राहुल गांधी को मिली है बड़ी राहत? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये मामला साल 2014 का है जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे देश में, और उसी समय भिवंडी की एक सभा में राहुल गांधी ये बोल गए थे कि आरएसएस जो है वो महात्मा गांधी की हत्यारी है। और ये जो शब्द थे उनके, ये जो वाक्य थे, भिवंडी के जो आरएसएस के कार्यकर्ता थे उनको काफी नागवार गुजरे थे। और उन्होंने मानहानि का एक मामला साल 2014 में ही भिवंडी की मजिस्ट्रेट कोर्ट में दर्ज किया था। ये मामला लगातार चल ही रहा था, इसमें राहुल गांधी समय समय पर पेश भी हो रहे थे, कई तारीखों पर पेश भी हुए थे। लेकिन जब ये मुकदमा अपने फैग एंड में आया, मतलब अंत समय में आया, उस समय भिवंडी की मजिस्ट्रेट अदालत ने कुछ नए दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर ले लिया बतौर सबूत। और राहुल गांधी के वकीलों को ये लगा कि ये सबूत जो है, ये काम जो है जो मजिस्ट्रेट की तरफ से किया गया, ये बेमानी है। और मजिस्ट्रेट के इसी फैसले को चुनौती दी उन लोगों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में, और बॉम्बे हाईकोर्ट ने जाकर आज एक अहम फैसला सुनाया है और ये कहा है कि एडिशनल डॉक्यूमेंट जो कि सबूत के तौर पर इस मामले में रिकॉर्ड पर लिए गए हैं, ये फैसला जो है गलत है। तो एक किस्म से देखा जाए तो राहुल गांधी को एक बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि वो जो चाहते थे अब उस हिसाब से मुकदमा चलेगा। जिन दस्तावेजों को नहीं चाहते थे कि बतौर सबूत वो रिकॉर्ड पर लिए जाए, अब वो रिकॉर्ड से हटा दिए जाएंगे। जी बिल्कुल। तो देखिए, राहुल गांधी की याचिका पर आदेश पारित किया गया है कोर्ट की ओर से, बड़ी राहत। आरएसएस मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली है। जैसा कि विकास ने बताया कि 2014 का ये पूरा मामला है। अब आगे शिकायतकर्ता की ओर से, आरएसएस कार्यकर्ता की ओर से क्या कोई विकल्प बचता है कि इस पूरे मामले को आगे वो लेकर जाएं? क्या सुप्रीम कोर्ट में भी रास्ता बचता है ये फौरी राहत कहें राहुल गांधी के लिए, या फिर मामला पूरी तरह से बंद हो जाएगा? विकास, बिल्कुल, अभी भी कई रास्ते खुले हैं। देखिए, इसमें आरएसएस कार्यकर्ता राजेश कुंटे हैं जो कि भिवंडी के ही रहने वाले हैं, जहां की सभा में इस किस्म का बयान राहुल गांधी की तरफ से दिया गया था। वो बीते 10 सालों से मुकदमा लड़ रहे हैं और अभी भी मुकदमे की इस स्टेज पर उनके पास कई विकल्प खुले हुए हैं। मसलन वो हाईकोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हैं और हाईकोर्ट से गुजारिश कर सकते हैं कि वो फैसले पर पुनर्विचार करें, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रास्ता भी उनके लिए खुला हुआ है। तो अभी भी कई विकल्प बचे हुए हैं। ये मुकदमा और कुछ दिन लंबा खींचेगा ऐसा हमें लगता है। मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी अब लड़ाई लड़ी जाएगी ऐसा लगता है। जी चलिए, ठीक है, शुक्रिया आपका विकास इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो 2014 का ये पूरा मामला, राहुल गांधी की ओर से दरअसल टिप्पणी की गई थी। राहुल गांधी को भिवंडी मजिस्ट्रेट अदालत ने एक तरह से दोषी माना था इस पूरे मामले में। राहुल गांधी की ओर से हाईकोर्ट का रुख किया गया था। राहुल की याचिका पर, पूरे मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। 2014 लोकसभा चुनावों के दौरान का ये पूरा मामला है जब आरएसएस के कार्यकर्ता की ओर से राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया गया था।